आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। और आप लोगों के लिए मैं आज स्पेशल एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूँ जो कि हमारे कलीग हैं और इनको बहुत दिनों से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इनको इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीज़न है? हमारा चैनल का जो नाम है एस्ट्रो टेक्निकल, इसके पीछे रीज़न क्या है कि एस्ट्रो प्लस टेक्निकल दोनों के कम्बिनेशन पे एनालिसिस किया जाए। और एस्ट्रो, जब हम एस्ट्रो एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल मिस हो जाता है और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एस्ट्रो मिस हो जाता है। तो इसलिए हम जो हमारे कलीग हैं एल वधावन, जो मैं अभी इंट्रोड्यूस करूँगा, आगे का सेशन वो कवर करेंगे, उनको स्पेशली टेक्निकली स्टॉक एनालिसिस करने के लिए हमने अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस कोई भी स्टॉक टेक्निकल अगर ये कवर करेंगे उसके पीछे एस्ट्रो का भी हमारा स्टडी फिक्स होगा, जिससे कि कोई भी हमारे जो भी व्यूअर हैं उसको कंप्लीट एजुकेशनल व्यू मिले। हम किसी भी स्टॉक का टिप्स नहीं देते हैं, लेकिन जो व्यू होता है वो कहीं ना कहीं 100% सटीक जाए उसकी पूरी कोशिश रहती है। और उसी कोशिश का एक नए तरीके से आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और मिस्टर वधावन अब यहां से जी, मैं ज्यादा देर से शुरू में 5 मिनट लूंगा। अभी पहला इंट्रोडक्शन है, मतलब फर्स्ट रिकॉर्डिंग है हमारी आपके साथ, तो मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद में पूरी पॉइंट बात कर रहे हैं हम, और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और लर्निंग पर्पस से बात करेंगे। इसमें आप कभी भी, मतलब आने वाली जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट होगी उसमें आप ये मत समझना कि मैं कोई टिप सर्विस प्रोवाइडर हूं या टिप दे रहा हूं। मैं उसके साथ रीजनिंग भी दूंगा शेयर की, शेयर क्यों चलेगा या उसके पीछे टारगेट आएगा तो क्यों आएगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने तरफ से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को अगर थोड़ा सा कोई पुराने लोग जानते हो जो शेयर मार्केट से इन्वॉल्व है, वो मनी कंट्रोल पे जाके मैं वेल एस्टैब्लिश, मेरे पास 23 एंड्रॉइड के पावर सीरीज है, वायरल मेरी आईडी है मनी कंट्रोल, तो वहां पर मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। पिछले कम से कम 10-12 साल से पहले भी मेरी एक आईडी थी, वो ब्लॉक हो गई थी ड्यू टू सम रीजन, मैंने काम कर दिया। एनीवे, अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक मैं बताऊंगा स्टॉक के पीछे आपने आप जितने भी चैनल देखोगे YouTube पे, अगर किसी भी चैनल को खोल के देखोगे आपको, मतलब इतने चैनल मिलेंगे YouTube के ऊपर कि आदमी, मतलब कई बार तो थक जाते हैं किसको देखूं किसको फॉलो करूं। इवन तो हम ही क्यों ना हो कि कई बार तो आपका मन कर रहा है इनको भी क्या देखना है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूंगा सिर्फ आपने देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जो ट्रेड आपको बताया जा रहा है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स और ये ऑफलाइन मोड में अगर कोई आपको कोई चीज बताई जाती है, तो क्या उस ट्रेड को मैंने चलती हुई मार्केट में क्या लेना भी है या नहीं लेना, करना भी है या नहीं करना, क्योंकि ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा हल्का फुल्का कंसेप्चुअल डिफरेंस आ जाता है जिसको एक ट्रेडर स्क्रीन के ऊपर बैठ के ही देख सकता है, संभाल सकता है। अगर मैं ऑनलाइन आपके साथ जुड़ा हुआ या डायरेक्ट वीडियो दूंगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ट्रेडिंग करनी नहीं आती। बिल्कुल, लोग बिल्कुल प्रॉपर चीज प्रिंटेड अगर आप लिख के भी दोगे ना चीजों को, अगर पेपर के ऊपर या मैं कहता हूँ आप कहीं कुछ ऐसा मटेरियल भी दोगे भी ऐसे 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 होना है और ऐसे ऐसे ही होगा और ऐसे ऐसे ही करना है, आप यकीन मानो होगा जी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, देखो सबसे पहले अगर आपको कोई कॉल दी जाती है, कॉल इन द सेंस मतलब कोई चीज आपको बताई जाती है कि भाई शेयर को आपने खरीदना है या सपोज आपने बेचना है, आपने ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे जो आपकी टर्मिनल है जिसपे आप ट्रेड करते हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू करते हो या उसपे करते हो, आपने सबसे पहले उस शेयर का आपने एनएससी पे, बीएससी पे और एनएससीएफओ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आपने उसका एक बार चाहे कुछ भी हो जाए मॉर्निंग में उसका ओपनिंग और लो प्राइस जरूर देखना है। ये आपने मेक इन योर हैबिट that I have to first see the opening and low price in case if anyone given the call of buy, if anyone given the call of buy call, मैं एक बार इसकी opening और low price जरूर check करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को एक मिनट लग जाए चाहे दो मिनट लग जाए देखने में, चाहे शेयर भाग जाए कुछ हो जाए, पहली बात। दूसरा, अगर कोई शॉर्ट कॉल आपके पास
किसी वजह से कहीं से भी किसी भी चैनल के थ्रू आ रही है, या किसी ने भी बोली हो, या आपने खुद ही निकाली हो, आपने उसके एक बार सबसे पहले आपने उसका ओपनिंग और हाई प्राइस जरूर चेक करना है मॉर्निंग में शार्प 9:15 पे। ये आपको ट्रेडिंग की हैबिट बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहली बात। दूसरा, आपका वो ट्रेड डेफर हो जाएगा, ट्रेड डिनायल मोड पे आ जाएगा अगर आपको किसी ने कॉल दी है बाय की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ओमप्रकाश जी, आप भी सुन लो। सुन रहा हूं मैं। अगर किसी ने कॉल दी है आपको बाय की और वो कॉल डिनायल पे आ जाएगी, डेफर हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर उसका ओपन और हाई प्राइस सेम आ जाएगा, चाहे वो ओपन और हाई प्राइस एमएससी पे सेम आ जाए, चाहे उसका प्राइस एनएससी एफओ पे सेम आ जाए। बीएससी में हम झेल लेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम कम होता है, उसको हम थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे एनएससी कैश पे हम इग्नोरेंस नहीं ला सकते अगर कॉल हमारी बाय है और लेकिन उसका ओपन और हाई प्राइस सेम आ गया है, तो वो कॉल में डेफरमेंट आ जाएगी, वेटिंग आ जाएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा? जब तक उसका हाई नहीं कटेगा, जब तक उसका हाई नहीं कटेगा या ओपन नहीं कटेगा, वो कॉल आपके किसी लायक नहीं है। या तो उस कॉल को आप छोड़ दो या वो कॉल आपके किसी लायक नहीं है। हाई तो टूट जाता है ना, टूट जाता है ना, उसका बता रहा हूं ना, हाई 80% जब ओपन और हाई आता है 80% केसेस में हाई कट जाता है, ठीक है। हाई कटेगा तो गेम आपके हाथ में आ गई, कॉल आपकी है वो बाय वाली कॉल आपके हाथ में। लेकिन अगर 10:15 तक वो नहीं कटी, 10:15 तक मार्केट ओपन होने के बाद ठीक 1 घंटे तक अगर वो कॉल नहीं कटी, तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ, वो कॉल डेफर मोड में आ जाएगी, कॉल खत्म हो जाएगी, वो बाय वाली कॉल वो खत्म हो जाएगी 10:15 तक। 10:15 से पहले पहले आपने उसके हाई को कटवाना है। अगर पहले से कोई यूट्यूबर या कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट कॉल दे रखा है, अगर ऐसा हो तो फिर वो कॉल में काम नहीं करना चाहिए, इसका नहीं करना। हाँ। नहीं करना। हाँ। उसका रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो आपको मैंने कॉल दी एक्स वाई जेड, कोई कॉल दी भाई इतने में, इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आज अरविंदो फार्मा के साथ ऐसा हुआ था, अरविंदो फार्मा के साथ ना इधर की और उधर की उसको नहीं समझ में आती, उसको वो कहता है भाई मेरे को सीधा बता, साफ सुथरा बता, या तो बाय बता या सेल बता, मुझे ये मत बता कि ऐसे होगा तो ऐसा कर लूंगा, वैसा होगा तो वैसा कर लूंगा, मुझे बता करना क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे बाय, ठीक है जी मैंने उठाया बटन और दबा दिया बाय, आपने बोला शॉर्ट, लो जी सर मैंने दबा दिया शॉर्ट। तो कहने का मतलब यह कि ऐसा मत करो, थोड़ा सा एक रूल तो बना लो यार लाइफ में, सिर्फ एक रूल, वो क्या है कि यार चाहे कोई भी होए, मेरे को एक बार स्क्रिप्ट में ओपनिंग और लो प्राइस जरूर चेक करना है और ओपनिंग और हाई प्राइस जरूर करना है। अगर मान लो बाय कॉल है, उसका ओपन और हाई सेम आ गया, तो वो कॉल खतरनाक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी कॉल आपके लिए बहुत जबरदस्त, वो रिवर्स कर देगी कॉल आपको। मैंने अगर मान लो अरविंदो फार्मा को बाय कॉल दिया था आज, ठीक है, और उसका ओपनिंग और हाई आ गया सेम, अब मैं उसको देख रहा हूं 30-40 मिनट तक उसका हाई कट ही नहीं रहा, ना तो वो सी थी 880 की उसका हाई कट रहा, ना उसका कैश का कट रहा एनएससी का स्पॉट में, अब मैं करूं तो क्या रहता है। तो मैंने कॉल को एक तरह से डेफर मोड में डाल दिया था, और आप बिलीव करना उसकी चाल आई नहीं, वो कटा जाके 9:45 उसका हाई कटा, ओपन राइट शॉर्ट हो गई थी वो कॉल। वो तो ठीक है जिस भी बंदे ने उसको बाय किया है चला लिया कटवा, लेकिन क्या हाई कटने के बाद 2 रुपए ऊपर गई, इससे मुड़ मुश्किल से मिनटर तो उसमें आया नहीं ना, इसलिए बाय की कॉल है और अगर उसमें ओपन और हाई सेम आ गया तो आपको उस कॉल से थोड़ा बचना है और उसको अवॉइड करके चलना है, और 10:15 तक उसकी वेट करनी है। 10:15 तक अगर वो नहीं करता हाई तो कॉल खत्म है, उसको मत देखो पलट के, वो बाय नहीं है कॉल आपके लिए, वो शॉर्ट है, ओके, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ओमप्रकाश जी किसी ने शॉर्ट की कॉल दी है, इफ समवन टोल्ड टू यू दैट शॉर्ट इट, इसको शॉर्ट करना सुबह, तो आप यकीन मानना अगर उसका ओपनिंग और लो प्राइस सेम आ गया, ओपन और लो प्राइस अगर उसका सेम आ गया सुबह मॉर्निंग में खुलते ही, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो 5-10 मिनट तक भी अगर लो नहीं कटता, तो आप यकीन मानना वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर लेगा अपनी, वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा और 10:15 के बाद हालत खराब कर देगा। तो शॉर्ट का मत सोचना अगर ओपन और लो सेम आ रहा है। आपके लिए जैकपॉट कॉल कब बनेगी? जब आपके पास 3 या 4 कॉल है किसी तरह की, और किसी में अगर ओपन और हाई सेम आ गया, खासतौर पर एनएससी कैश में अगर,
तो वो लेना, वो कॉल आपको इतना पैसा देके जाएगी, वो हाई 10:15 बजे के बाद आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा इंट्राडे का, और वो कटेगा नहीं हाई। ये ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रेडिंग टेक्निक बता रहा हूं मैं, वो हाई कटेगा नहीं। और अगर आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना चाहते, छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना चाहते हो, एक घंटे बाद 10:15 बजे के बाद उस हाई को अपना स्टॉप लॉस बना देगा जी। कल का शेयर बता दूं? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी क्लोजिंग हुई है ना आज, गोदरेज सिटी की जो क्लोजिंग हुई है, वो मतलब कहते हैं ना रनवे पे भागने के लिए कोई चीज तैयार खड़ी है, बिल्कुल ठीक है। वो तो मार्केट बंद हो गई है शायद, नहीं तो अगर रनवे अगर खुला होता 5-10 मिनट और तो आज ही भाग जाता। ओके। तो गोदरेज सिटी में आपने बाइंग करनी है, 699 पे क्लोज हुआ है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर के लॉट की। ओके, ओके, आपको फ्यूचर चाहिए कैश चाहिए वो मुझे बता दो, फ्यूचर दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है। 699 रुपए पे क्लोज हुआ है। हर्डल इसकी जो सर के ऊपर खड़ी है वो है 707 रुपए की, 707 की हर्डल है, ठीक है। इसको आप ब्रेकआउट बोलो, हर्डल बोलो, जो मर्जी बोलो, ठीक है। चार्ट कल का है ना, ये कल की बात बता रहा हूँ, कल की जो कल होने वाला है, लेकिन कल की है, आज की चार्ट नहीं है ना। हाँ डाटा अपडेट नहीं है। ठीक है और इसका जो पैसा अगर अलग होता तो वो आपको ब्रेकआउट मिलेगा 707 के ऊपर। ओके 706 रुपए तक थोड़ा सा नजर रखना, ब्रेकआउट आ जाएगा मोस्ट ऑफली 10-11 रुपए का ब्रेकआउट इसका आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग में गैप अप आ जाए, अगर 707 रुपए का ब्रेकआउट मिल जाए तो निकल जाना, बुक कर लेना, और 707 के ऊपर आएगा 706 पे बुक कर लेना, 707 को दबा पाएगा ना, एक एक का गैप डाल देते, ठीक है। एग्जिट एग्जिट का ओन डॉट आ रहा है 706 पे, 40 का टिल अप टू इट होल्ड एंड सस्टेन अप 1491 ग्रैब इट, वेट फॉर द टारगेट इन एनएससी कैश स्पॉट, वेट फॉर द ब्रेकआउट एनएससी स्पॉट कैश, कितना ब्रेकआउट 1500 का ब्रेकआउट दे दो और इसके बाद आराम से बैठो। इसमें भी कितने दिन तक कब का टारगेट 1568 का टारगेट, बाटा स्टॉप लॉस फ्यूचर स्टॉप लॉस बाटा का 1467 ओन डॉट, 1467 ओन डॉट नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूं बड़े लोगों के लिए, और जो थोड़ा सा वीक हार्ट है या थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आता इतना देर नीचे का स्टॉप लॉस, तो वो थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहते हैं तो 1475। और इसके साथ ही इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और बदावन जी को मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके का स्टॉकों को एनालिसिस करने का। आज पहला दिन था इसलिए इन्होंने शुरू में किस तरीके से एक ट्रेडर को काम करना चाहिए उसके लिए आप लोगों के लिए इन्होंने अपने तरफ से जो भी जो मेन इम्पोर्टेंट बात है उस पर जोर देने की कोशिश की है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देखा है उससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को बदावन जी क्लोज किया जाए। कर दो सर, थोड़ा गलती हो तो माफ करना, पहली वीडियो है। ठीक है जी, थैंक यू।